हेलो, गुड आफ्टरनून। BSCAG थर्ड ईयर स्टूडेंट, जो आपका कोर्स रेंटफेड एग्रीकल्चर रेंटफेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर में आपके 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उससे रिलेटेड आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के, तो उसको विशेष ध्यान से आप देखिएगा, उसको सुनिएगा और पेपर पेन लेकर के उसको आप केयरफुली नोट भी करिएगा, जिससे आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 is most suitable grass species for low rainfall or low rainfall area of Rajasthan? फिर से सुन लें। Is most suitable grass species फॉर लो रेनफॉल एरिया ऑफ राजस्थान? इसका आंसर आप नोट करें, बरमुडा ग्रास। बरमुडा BURMUDA बरमुडा ग्रास। सेकेंड क्वेश्चन है इक्रिसेट ICRISAT इज फुल नेम, उसका पूरा नाम क्या होगा? नोट करें, इंटरनेशनल क्रॉप इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एरिड ट्रॉपिक्स इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। नंबर 3 HHB 67 is a short duration cultivar of crops. तो उसका सही आंसर PMS। बाजरा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन एले ऑफ ट्री एंड सर्व्स इज नोन एज, फिर से सुने, द
The growing of crops is allele of trees and shrubs is known as allele cropping. Allele cropping. And next, number 5, the botanical name of खेजरी, इसका बॉटनिकल नेम होगा प्रोसोपिक साइनेरिया, SINERARI. एंड नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ CAZRI इज सिचुएटेड एट, कहां पे इस पर है, जोधपुर. जोधपुर राजस्थान. एंड नेक्स्ट डॉट डॉट, इज द एडिटर ऑफ बुक इंटाइटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया. जो टाइटल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये किसकी बुक है, तो यहां होगा आरपीसी. आरपी सिंह, SINGS, RPC. And next question है, soil erosion caused by dash is major type of land degradation in western Rajasthan. वेस्टर्न राजस्थान, यानी सॉयल इरोजन कॉज्ड बाय डैश इज मेजर टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन वेस्टर्न राजस्थान. इसमें आंसर होगा यहां पे एयर. सॉयल इरोजन कॉज्ड जो होता है राजस्थान में बाय एयर इरोजन. एंड नेक्स्ट नंबर 9, खादिन कल्टीवेशन इज कॉमन इन दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी जो खादिन कल्टीवेशन जो कॉमन लिया जाता है राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो होगा जैसलमेर. जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आपका खादिन कल्टीवेशन कॉमन होता है. आपका पार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन जिसको आप नोट किए होंगे, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं एग्जामिनेशन में. इसको आप नोट कर लिए होंगे. अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट है द फर्स्ट सिस्टमिक रिसर्च on dry farming in India. In India was started at यानी फर्स्ट सिस्टम सिस्टमिक फर्स्ट सिस्टमेटिक रिसर्च ऑन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया वॉज स्टार्टेड एट आपका फर्स्ट रोहतक सेकेंड मंजरी एंड नंबर थर्ड बेलारी एनएम फोर हैदराबाद क्वेश्चन से आपका होगा सही क्वेश्चन रोहतक नोट कर लिया होंगे एंड सेकेंड क्वेश्चन द हेडक्वार्टर ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ CRIDA CRIDA is Nidalee second Karnal नंबर थर्ड हैदराबाद एंड नंबर फोर जोधपुर इसमें आपका होगा सही आंसर हैदराबाद हैदराबाद इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री आरएमओ आरएमओ 225 इज एन इंपॉर्टेंट कल्टीवेटर
इज किसकी वैरायटी है, मोक बीन, सेकेंड क्लस्टर बीन, एंड परलेट एंड नंबर फोर मोथ बीन। इसमें राइट आंसर होगा मोथ बीन नंबर फोर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, PMA PMA is which type of antitranspirant? एंटी ट्रांसपेरेंट पीएमए कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट है? फर्स्ट फिल्म फॉर्मिंग, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लोजिंग, एंड नंबर थर्ड बोथ ए एंड बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड नंबर फोर नॉन ऑफ द एबल। इसमें राइट आंसर आपका होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लोजिंग, क्योंकि पीएमए जो एंटी ट्रांसपेरेंट है वो लीक में इंस्ट्रूमेंटा को क्लोज कर देता है, इसलिए ये आपका पीएमए इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लोजिंग टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of groin period जिसको shorter बोलते हैं LGP, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज फर्स्ट है लेस देन 90 डेज, एंड सेकेंड
90 to 120 days, and third 120 to 150 days. And four greater than 150 days. इसमें आपका राइट आंसर होगा 90 to 120 days. The length of growing period LGP in north western India is 90 to 120 days. Note कर लीजिए. And next question, the suitable plant for dry land The suitable plant for dry land has root to shoot ratio is first greater than 1, second less than 1, third less than 0.5, and fourth less than 0.25. इसमें राइट आंसर होगा ग्रेटर देन 1. यह आपका राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Which fruit is most suitable for dry land of Rajasthan? Dry land of Rajasthan. यानि कौन सा ऐसा फल है? Which fruit is most suitable for dry land? जो dry land agriculture में ले सकते हैं Rajasthan में. तो first है bay. Second, amla. Number third, date palm. And number four, guava. बेर, आंवला, डेट पॉल एंड गुआवा. इसमें राइट आंसर है डेट पॉल, DATEPALL. नोट कर लीजिए. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.
पॉलीगोनों कॉलीगोनम पॉली गोनोइड्स इज ए प्री सेकेंड स्वर थर्ड ग्रॉस एंड नंबर फोर हर्ड कॉलीगोनम पॉलीगोनाइड्स इज ए ट्री सर ग्रॉस एंड हर्ड यानी इसमें से ये कॉलीगोनम पॉलीगोनाइड्स क्या है ये आपका राइट आंसर होगा सर एस एच आर यू बी झाड़ी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 The suitable cropping system The suitable cropping system for the area where length of growing period is less than 75 days less than 75 days question please sunna the suitable cropping system for the area where length of growing period is less than 75 days होगा आपका फर्स्ट मोनोक्रॉपिंग सेकेंड इंटरक्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग एंड थर्ड डबल क्रॉपिंग थर्ड डबल क्रॉपिंग एंड फोर्थ एले क्रॉपिंग The suitable cropping system for the areas where length of growing period is less than 75 days, monocropping, intercropping, double cropping and allele cropping. Is that right? Answer up for the double cropping. Number 5. Double cropping. तो आज की क्लास इतनी ही इसमें BSc थर्ड ईयर ग्रैंडफादर एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं
उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, उसको हमने बताया। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हल किए, तो उसको आप अच्छे तरीके से, हम आशा करते हैं कि आप पढ़े होंगे, उसको नोट किए होंगे, जो कि एग्जामिनेशन पर्पज से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की क्लास इतनी ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।